आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया का फोरकास्ट यहां पे घटाया गया है IMF ने, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और यहां पे अगर आप देखो तो ये अभी 6.8% किया गया है, पहले 7.4% था। हालांकि भारत 8.5% से ग्रो हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेरिजन याद रखिएगा, ठीक है? तो 7.4 से 6.8% घटा दिया है, 0.6% घटा दिया है। लेकिन यहां पे IMF ने बोला कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी बुरा समय आना बाकी है। अच्छे दिन आने नहीं वाले हैं, बुरे ही दिन आने वाले हैं। 2023 में रिसेशन तो आएगा ही, और उसकी शुरुआत क्या रिसेशन है ही है वैसे तो। अमेरिका में, यूके में तो रिसेशन हमको देखने को मिल ही रहा है, भारत में क्यों नहीं, इसकी बात मैं कई बार कर चुका हूं। देखिए, आप देख सकते हो कि ये है आपका जो रेड में है, ये 2022 है, और 2023 है ये जो आपका, ये कौन सा है, ये ग्रीन ग्रीन मान लेते हैं इसको, पता नहीं कौन सा कलर है। तो 3.2% वर्ल्ड 2022 में अभी, यानी कि 2022 में ग्रो होगी। 2.7% ये अगले साल की ग्रोथ है, यानी कि अगले साल, आप देखो बात यहां पे, आप अगले साल देखो ग्रो कम हो रही, यानी कि जो अभी हालात है उससे बुरे हालात अगले साल आने वाले हैं। अमेरिका की तो बैंड बजी हुई है, लेकिन अमेरिका में ना इतनी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जितना भी शॉक हो उनकी इकोनॉमी सर्वाइव कर जाती है। 1.6% है और अगले साल के लिए 1% है। चाइना की बैंड बजी हुई है, लेकिन चाइना अगले साल अच्छे से ग्रो करेगा 4.4% से, अभी उनका 3.2% है। यूरो एरिया की बात करें तो यूरोप की बैंड बुरी तरीके से बच गई है, क्योंकि 3.1% अभी है, और यहां पे तो रिसेशन विसेशन सब आने वाला है। 0.5% यूरोप में, तो वॉर चल रहा है। भारत में अगर आप देखो तो भारत की कंडीशन सबसे अच्छी लगती है। फिस्कल ईयर 2023 6.8% और 2024 6.1%। तो यानी कि यही सिर्फ भारत ही एक ऐसा है जो बढ़िया, रशिया तो नेगेटिव में ही ग्रो होगा 3.4 और -2.3, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो ये देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हो कि ये किसने क्या फोरकास्ट किया है, ठीक है? अभी देखो IMF की अगर बात करें तो IMF ने ये 7.4% पहले लिखा था, और अभी ये 6.8% पे है, ठीक है? यानी कि 0.6% जो है वो यहां पे घटा दिया है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो 7.5% था और अभी 6.5% है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 7.5% और अभी 7%। RBI 7.2% अभी 7%, और घट सकता है ये भी मैं बता दूं, फोरकास्ट अभी और कम हो सकता है। देखिए आउटपुट देखा जाता है कि कितना आउटपुट आया है क्वार्टर बाय क्वार्टर, और कम है तो फोरकास्ट उसी हिसाब से। SBI 7.5, 6.8 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। OECD 6.9 और 6.9 इन्होंने बदला नहीं है। तो सबके फोरकास्ट घटे हैं, आप समझ रहे हो, सबके फोरकास्ट। भारत, ये भारत है याद रखिएगा, ये भारत के कंटेक्स्ट में है, लेकिन बात यही है कि भारत फिर भी बाकी इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आज आखिरी दिन है हिस्ट्री ऑप्शनल सेल की, आपको कूपन कोड हिस्ट्री यूज करना है। सोहेल सर क्लास लेंगे तो आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी, इसके बाद हिस्ट्री ऑप्शन पे सेल नहीं आने वाली है। तो आज अवेल करिए, जबरदस्त तरीके से अवेल करिए, ठीक है? चलिए बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस फिस्कल ईयर में वैसे तो इसमें 8.7% की ग्रोथ हुई थी, अभी 6.8% की ग्रोथ होने वाली है ना, यही IMF ने बोला है। हम पीपीटी वाइज चलते हैं। ग्रोथ रेट जो है वो 0.6% से घटा दिया गया है। रेपो रेट लगातार RBI बढ़ाता जा रहा है। इन्फ्लेशन 2 ± 4 होना चाहिए, तो 6% हो या 2%। अभी इन्फ्लेशन WPI CPI तो भैया उछाली मार गया था, है ना, हालत खराब हो गई थी। हालांकि उसको अभी रेपो रेट घटा बढ़ा के उसको कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे तो है नहीं, है ना। जॉब क्राइसिस तो भारत में देखने को मिल ही रही है, लेकिन फिर भी भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, है ना। अब मार्केट बहुत बड़ा है तो इसका मतलब यह भी है ना कि दिक्कतें, देखिए एक चीज समझिए कि अभी भी टेक बूम आया हुआ है, तो सर्विस सेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोग वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, पूरे का पूरा स्टार्टअप एक ऐप या वेबसाइट बेस्ड है। तो इस टेक बूम की वजह से टूरिज्म सेक्टर दोबारा से आ रहा है, दोबारा आई अब कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ, तो सर्विस सेक्टर तो बढ़ ही रहा है, वहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये चीजें भारत की व्यवस्था इस तरीके से है ना कि भारत रिसेशन से हमेशा बचा रहेगा। जहां इकोनॉमी जो है वेस्ट की अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक है, और वहीं पर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एक सिस्टम गड़बड़ाया तो पूरी चेन खराब हो जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और कहीं ना कहीं उनका काम चलता ही रहता है। अभी हालांकि मुश्किल बहुत ज्यादा थी, लॉकडाउन आ गया तो डेफिनेटली सबके रोजगार कम होंगे। तो
तो ये हिसाब किताब है। तो अगर IMF जून यहां पे बात करें तो वो फोरकास्ट जो है वीकर आउटपुट जो आया है उसकी वजह से आउटपुट थोड़ा सा कम आया है, तो इसीलिए अब 6.1% इन्होंने अगले के लिए बताया है। तो यहां पे आउटपुट क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है वो देखा जाता है और उसके बाद यही बताया जाता है कि कोर इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, WPI, CPI, ये सारे इन्फ्लेशन ये टारगेट कहां पे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। अब यहां पे देखिए पियरे ओलिवियर गोरिंशास जो कि IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। भारत काफी अच्छा कर रहा है, इंडिया हैज बीन डूइंग फेयरली वेल इन 2022, ये बहुत बड़ी बात है। एग्रीकल्चर ठीक रहा, मॉनसून हमारा फेल हुआ लेकिन फिर भी हम बच गए, है ना, ऐसा नहीं कि कोई क्रॉप फेलियर, वीट का अच्छा प्रोडक्शन हुआ, राइस का अच्छा प्रोडक्शन हुआ, खेती हमको बचा लेती है। भारत की एक ये भी है ना कि देखिए आप एक बेसिक समझिए कि एक देश को चाहिए क्या, वो खाना खाता रहे, उसका पेट भरता रहे, नौकरियां मिलते रहे। नौकरियां चलिए हम बाद में देख लग सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खेती की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भारत एक गिफ्टेड कंट्री है, भारत में इतनी सारी नदियां हैं और भारत में फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ठीक है। लगभग जो भारत का ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी है वो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन है और वो एकदम परफेक्ट है एक तरीके से, तो इसीलिए भारत की व्यवस्था ऐसी है ना कि हम इस संगुल में फंसेंगे नहीं, भारत ग्रो करता रहेगा भले ही स्लो ग्रो करे, ठीक है। तो वही बताया कि 2022 में इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है और 2023 में भी बढ़िया ग्रो करेगा, ये भी बोल दिया है कि 2023 में भी इनकी ग्रोथ जो है वो कम नहीं होने वाली है। हाँ, RBI का जो टारगेट है, क्योंकि अभी आपको पता है 7% से ऊपर इन्फ्लेशन चला गया था, 6% से ऊपर नहीं जा सकता, 2% से नीचे नहीं जा सकता, तो 7% यहां पे RBI टारगेट से ऊपर चला गया। लेकिन देखिए मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो RBI कंट्रोल करता है, अब RBI दो तरीके से उसको कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करेगा, या तो वो पैसा हटाएगा, ठीक है, अगर वो पैसा हटा रहा है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी जो अभी कर रहा है RBI। मार्केट से पैसा हटाने का मतलब यह कि इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल में रखोगे, समझ लो ना, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, ऐसे समझ लो एक आईफोन है, अगर मान लो कहते ना कि पैसे क्यों नहीं छाप देते, अब मान लो RBI ने पैसे छापने शुरू कर दिए, हर किसी को पैसा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, अब मान लो हर किसी को और पैसा देना शुरू कर दिया तो हर कोई 70,000 का फोन खरीद लेगा, अब सब बोलेंगे, एप्पल बोलेगा कि यार तो 70,000 का इसकी कीमत बढ़ाओ क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा आ गया, तो 70,000 80,000 हो जाएगा, 90,000, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी ना, तो इसीलिए पैसा हटाना पड़ता है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो पैसा खींचना पड़ता है, तो रेपो रेट जो है वो RBI बढ़ाता है। अब रेपो रेट बढ़ाएगा तो इसका मतलब लोग लोन लेंगे नहीं, लोग पैसा लेंगे नहीं, लेकिन ये बैंक के लिए भी तो नुकसानदेह है ना, क्योंकि बैंक पैसा कहां से कमाता है, बैंक पैसा लोन से ही कमाता है, ठीक है, उसको और किसी के पास थोड़ी ना, और क्या, सिर्फ वो सिर्फ पैसा आपको दे के उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसी से ही वो कमाता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो अब वही है कि फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी जो है शुड प्रोबेबली ऑन द टाइटनिंग साइड, तो क्योंकि RBI ये कर ही रहा है रेपो रेट बढ़ा के। लेकिन यहां पे बहुत बड़ी बात बोल दी है, देखिए दुनिया की पहले कंडीशन बताई है वो मैंने आपको बता ही दिया था, ये देख लीजिए फिर से कि इसमें अमेरिका, चाइना, भारत, रशिया, ये सब बहुत ही पावरफुल जो है वो इकोनॉमीज हैं और इन सबकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा बुरी है। अमेरिका की बुरी तरीके से बैंड बजी हुई है, वहां रिसेशन आया हुआ है, पाउंड जो है इज इक्वल टू डॉलर, यूके में जो पॉलिसी है टैक्स कट की, उन्होंने बोला था कि हम अमीरों का टैक्स काटेंगे, लिस ट्रस्ट की जो पॉलिसी थी, और जो पैसा बचेगा अमीरों का टैक्स काट के अमीरों के पास अच्छा खासा पैसा बचेगा, तो अमीर जो है वो गरीबों के लिए लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पूरी तरीके से फेल कर गई। ये एक इतना बेवकूफी भरा डिसीजन था बेटा, अगर अमीरों को यह करना होता ना तो कब का कर देते, तो ये एक अजीब और गरीब डिसीजन था। तो ब्रिटेन में हालत खराब, यूरोप में वॉर की वजह से हालत खराब है, अमेरिका में तो वैसे ही हालत खराब है। पहले अब देखिए ना, अब फंडिंग करंट है पूरे भारत में, जितने भी स्टार्टअप फंडिंग नहीं, पहले फेडेक्स वहां फेडरल से मतलब खूब पैसा छप रहा था अमेरिका में, वो पैसा छप के कहां भारत आ रहा था और भारत के स्टार्टअप में पैसा लगाया जाता, अब वहां पे पैसा छपना बंद हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया वहां पे और वो पैसा आ ही नहीं रहा, तो फंडिंग क्रंच है यहां पे। अब जो स्टार्टअप भयानक कैश बर्न कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि हम खूब पैसा देंगे, नाम किसी के स्टार्टअप का नहीं लूंगा, किसी बड़े कंपनी का नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है उल जरूर पैसा लुटा रहे थे, आज उनकी हालत टाइट हो गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो यूनिकॉर्न बन गई है वो एक बबल है, वो सिर्फ एक फंडिंग बबल, मतलब एक वैल्यूएशन बबल है, एंड उनका कोई भी प्रॉफिट है ही नहीं, दे आर ऑल इन लॉस। हालांकि किसी स्टार्टअप का मकसद प्रॉफिट में जाना भी नहीं होता है, वो सिर्फ पैसे कमाना होता है, वैल्यूएशन दिखाना होता है, उसके बाद सब बेच बाज के निकल जाओ, ठीक है। प्रॉफिट में जाना वैसे भी स्टार्टअप का, ज्यादातर स्टार्टअप का, और जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
तो ये सब आप देख ही सकते हो कि यहां पे हालत बहुत खराब है। अब यहां पे एक चीज यहां पे बोली है कि देखिए द वर्स्ट इज येट टू कम, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पे बोला है कि ठीक है ओवरऑल जो शॉक्स है उससे हम उबर चुके हैं, इकोनॉमिक वाउंड से जो हमारे घाव दिए थे उससे भी हम उबर रहे हैं पार्शली है, लेकिन अभी जो वर्स्ट है इट इज येट टू कम और फॉर मेनी पीपल 2023 विल फील लाइक अ रिसेशन, यानी कि 2023 में ऐसा लगेगा कोई रिसेशन आ गया है। अभी सबसे खराब वक्त आया नहीं है, अभी तो बुरा वक्त आने वाला है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हिला के रख देने वाली है, क्योंकि अगर IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है इसका मतलब गड़बड़ बहुत ज्यादा है। देखिए कोई भी संस्था जो है वो खुल के बात नहीं करेगी, उनको पता है फिर पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगेंगे। लेकिन ये इन बिटवीन द वर्ड्स अगर आप समझे तो द वर्स्ट इज येट टू कम, यस है ना। तो यही रिस्क बहुत ज्यादा है IMF की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, जो यही चाह रही है कि भैया स्टेबिलिटी किसी भी तरीके से आ जाए। अब इन्होंने ये भी बताया है कि देखिए फिस्कल पॉलिसी आपको बहुत ही सही रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि आप इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल कर सके। देन उसके बाद जो इसमें यह भी बोला कि जो एनर्जी क्राइसिस है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, और इट इज नॉट इन ए ट्रांजिटरी शॉक, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो है इन द वेक ऑफ द वॉर इज ब्रॉड एंड परमानेंट, यानी कि ये एनर्जी क्राइसिस रहने वाली है, और अगर एनर्जी क्राइसिस रही तो पूरी दुनिया इससे इफेक्ट होती है। तो ये आप भूल जाइए कि अभी आने वाले समय में इस क्राइसिस ये वो होगी, और ये ब्रॉड है, ब्रॉड एंड परमानेंट, ये दो वर्ड देखिए, ब्रॉड मतलब ये फैलती जाएगी है ना, ये बहुत लंबी है, ये पूरा यूरोप चपेट में आएगा, और परमानेंट यानी कि अभी ये काफी टाइम तक रहेगी। इन्होंने यही बोला कि जो देश है वो फिस्कल सपोर्ट टूवर्ड्स द वल्नरेबल बाय टेंपरेरी ट्रांसफर रादर देन फोकस ऑन द प्राइस कंट्रोल। अब देखिए ये भी बड़ी डेंजरस चीज इन्होंने कह दी है, इन्होंने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा दे दो, पैसा है ना, ये जो प्राइस कंट्रोल कर रहे हो अनटारगेटेड सब्सिडीज एक्सपोर्ट बैन से कुछ नहीं होगा। लोग क्या कर रहे हैं, देखिए फंडामेंटल तो लोग है ना, अगर मैं एक दुकान से नहीं खरीद रहा हूं कोई सामान तो पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा जो गरीब है, तभी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, डिजिटाइजेशन, ग्रीन एनर्जी, कुल मिला के बात यह है कि हम सबको साथ में आना पड़ेगा तभी होंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर देश अपने में ही बिजी है। तो यहां पे इस समय परिवार की तरह सबको साथ में आके आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। साथ ही साथ लो इनकम जो कंट्रीज हैं वो डेट डिस्ट्रेस में है, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब वो देश है ना, इन्होंने बहुत डेट लिया हुआ है, इन्होंने इतना कर्ज लिया हुआ है अब वो कर्ज चुकाना भी है। मैंने लगभग हर देश पे लेक्चर लिया है, नेपाल पे मैंने लेक्चर लिया, नेपाल बच जाएगा क्योंकि उसका पैसा जो है वो रुपी से टाइड अप है, तो नेपाल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भले ही कितनी बैंड बच जाए, लेकिन फिर भी नेपाल बात नहीं मान रहा, वो जाता चाइना के पास ही है। बांग्लादेश में भी हालात बहुत, वो ऊपर से भले ही कुछ भी हो लेकिन अंदर से इकोनॉमी खोखली है। पाकिस्तान तो आप उसकी तो हालत पता ही आपको, श्रीलंका वेल ऑलरेडी बिक गया है, तो हमारे जो पड़ोसी हैं अफगानिस्तान आप देख ही रहे हो उनकी हालत खराब है। तो ये जो गरीब देश है ना, अल्टीमेटली ये जो पूरा भार है ये इन्हीं लोगों के ही ऊपर आएगा, क्रांति भी हो सकती है लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखेंगे जो भी होता है। ये लेक्चर था दोस्तों, तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा 360 डिग्री व्यू दे दिया है। हमारे हिस्ट्री ऑप्शन को जरूर अवेल करें, सेड 10 नहीं है हिस्ट्री, ये पोस्टर अलग हो गया है, तो हिस्ट्री कूपन कोड आपको यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। आज 12 बजे तक ही ऑफर है, रात में खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।